देश के पहले नदी जोड़ो प्रोजेक्ट के तहत केन और बेतवा नदी को जोड़ने के काम का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। केन बेतवा के जोड़ने से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ा लाभ होगा। देश के पहले नदी जोड़ो अभियान के तहत केन बेतवा लिंक परियोजना का जल्दी भूमि पूजन पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ये बात केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने छतरपुर में कही। जिले के दौरे पर केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस परियोजना का पूरा बजट केंद्र सरकार देगी। 44,000 करोड़ की इस योजना में MP और UP के जिलों को सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध होगा। इससे सबसे ज्यादा लाभ किसानों को होगा। केंद्रीय मंत्री पटेल ने इसके लिए UP और MP के मुख्यमंत्रियों का आभार व्यक्त किया, जिनकी वजह से दोनों राज्यों में इस परियोजना के लिए सहमति मिल सकी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अन्य राज्य इसी तरह नदी जोड़ो अभियान से जुड़ेंगे। केन बेतवा लिंक सिर्फ कैबिनेट से पास नहीं है, वो पूरी तरह से परियोजना के तौर पर भारत सरकार उसको स्वीकार कर चुकी है और जो उसकी लागत है लगभग 44,000 करोड़, वो 100% भारत सरकार देने वाली है। और ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। बहुत जल्दी स्वयं प्रधानमंत्री उसका भूमि पूजन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि ये ऐसी परियोजना है जो देश की दिशा तय कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदी जोड़ो की अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन चूँकि जितने भी डेफिसिट बेसन से सरप्लस बेसन को जोड़ने के प्रयास है वो अंतर राज्यीय हैं और सभी राज्यों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएँ और इसे दोनों की सहमति बनना ज़रूरी है। लेकिन मैं इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी का और आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि दोनों की सहमति के कारण देश में ये इतिहास बन सका और इस शुरुआत के बाद एकमात्र विकल्प है कि हम नदी जोड़ो परियोजनाओं के जितने भी हमारे हिस्से चिन्हित हैं उनके बगैर हम आने वाली पीढ़ी को जल की गारंटी नहीं दे पाएंगे और इसलिए राज्यों से हम सदैव प्रार्थना करते हैं कि वो आपस में सहमति बनाए। भारत सरकार वित्तीय मदद के लिए सदैव तत्पर। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।